आज मैं एक मज़ेदार स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी खाकर ये बता नहीं सकता है कि ये गेहूँ के आटे से बना है। अब सोचिए, सडनली आपको घर में मेहमान आ गया है, घर में खर्चा पानी कम है, तो ये स्वीट बना के ज़रूर खिलाना। ये टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा और इसका बनाने में तकरीबन 15 से 20 रुपये खर्चा होगा और एक खाने के बाद वो मेहमान आपकी तारीफ करते रह जाएगी। पहले थोड़ा सा पानी में 1 कप शुगर मिला के उसको बॉयल करेंगे तकरीबन 15 मिनट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखिए कितना अच्छा चिपचिपापन आ गया है। अब इसको हम रख लेंगे और कूल डाउन करेंगे। और एक पैन ले लिया है, इसमें घी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची ऐड करेंगे अच्छी फ्लेवर आने के लिए। अब इसमें हम 1.5 कप गेहूं के आटे डालेंगे। अब थोड़ा सा 1/2 कप बेसन ऐड करेंगे। जब 15 से 20 मिनटों के बाद बेसन पक जाएगा तो बेसन और इलायची के बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खाने में भी ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे। अब जब कोई स्वीट डिश करो तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाने से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, ऐसे ही कुक करते रहेंगे ऑलमोस्ट 15 मिनटों तक। अब 15 मिनटों के बाद ये आटा और बेसन बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है और अच्छी फ्लेवर बाहर निकल रही है। अब इसमें हम वो जो शुगर सिरप यानी कि चाशनी प्रिपेयर किया था वो हम डाल लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऐसे ही 10 मिनटों तक इसको कुक करेंगे। अब हो गया है ऑल कंप्लीट। अब इसको हम सेटल करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे
अच्छी तरीके से उसको सरफेस में मिला लेंगे। आप इसमें वो मिक्सचर डालेंगे अच्छी तरीके से। अब ऑयल से इसका सरफेस को टोटली प्लेन और स्मूथ करेंगे। जो देख रहे हो ये एक्सेस घी और ऑयल का मिक्सचर, इसको हम अलग कर लेंगे एक बोल में डाल के। अब इसको हम ऐसे ही कट कर ऑलमोस्ट 2 आवर इसको हम ठंडा करेंगे। अब 2 घंटे के बाद देखो थोड़ा सा कलर थोड़ा सा स्लाइडली हल्का हो गया है। अब कोई देखकर कह सकता है ये स्वीट हम आटे से बनाया है। आटे तो गवर्नमेंट फ्री में ही दे रहा है तो आटे का खर्चा नहीं होगा। अब थोड़ा सा बेसन घी और शुगर चाहिए, तकरीबन 15 से 20 रुपए में ही हो जाएगा।